कृति सैनन संग सलमान खान ने लगाए ठुमकेश्वरी सॉन्ग पर जबरदस्त ठुमके, देखते रह गए वरुण धवन भी। इस बार का वीकेंड का वार बिग बॉस 16 में कुछ कंटेस्टेंट के लिए काफ़ी बुरा साबित होने वाला है। दरअसल हाल ही में सामने आए प्रोमो से पता चला है कि अब इस घर से प्रियंका बेघर हो गई है। हालांकि दोस्तों यह तो बिग बॉस के घर में किसी न किसी का जाना होता रहता है, लेकिन इस बार वीकेंड के वार पर छोटे सलमान कह ले या फिर सलमान का फैन कह ले वरुण धवन देखने को मिलने वाले हैं। दरअसल दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि इन दिनों वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। वरुण धवन और कृति सैनन इन दिनों अपनी फिल्म का प्रमोशन जोरों शोरों से कर रहे हैं और जैसा कि बॉलीवुड से कोई फिल्म रिलीज होने वाली हो और वह फिल्म का बिग बॉस के घर में प्रमोशन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इस बार के वीकेंड पर आपको ठुमकेश्वरी यानी कृति सैनन सलमान के साथ ठुमके लगाते नजर आने वाली है। सामने आए प्रोमो में सलमान जहां कृति सैनन संग मिलकर वरुण धवन का मजाक उड़ाते हैं, तो वही यह तीनों मिलकर काफ़ी मस्ती भी करते हैं, जिसके बाद सलमान खान कृति सैनन संग भेड़िया फिल्म के शानदार सॉन्ग ठुमकेश्वरी पर जबरदस्त ठुमके लगाते हैं। हालांकि दोस्तों यहां सलमान और कृति सैनन की जोड़ी देखने लायक बनती है। यहां सलमान खान ठुमकेश्वरी सॉन्ग के हुक स्टेप को भी हूबहू वरुण धवन की तरह कॉपी करते हैं, जिसे देख वरुण धवन भी हैरान रह जाते हैं। अब बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म इसी महीने की 25 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्ट अमर कौशिक ने किया है। फिल्म में वरुण धवन और कृति सैनन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं फिल्म में इस बार वरुण धवन भूतिया बने भेड़िए के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार है। आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।